welcome back to my YouTube channel. If you don't know me, hi, my name is Vanshika and I create fashion, food, lifestyle and all the digital content. So it is going to be a home decor haul of a popular market, Delhi ki Aan Baan Shaan City ka market, Janpath market. So guys, इस हॉल में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक सी चीजें रहने वाली है. सो अगर आप भी इंटरेस्टेड है सुंदर सुंदर से हॉल को देखने के, then let's get started. Item 1. So guys, अपने सुंदर सुंदर से हॉल की शुरुआत करने के लिए हम शुरू करने वाले इस हॉल को अपने सुंदर सुंदर से कुशन कवर के साथ. Oh my god, this is so freaking pretty. As you all can see, इस कुशन कवर पर ये पूरे के पूरे आर्टिफिशियल रोजेस को ऐसे स्टिच करा हुआ है. This resembles bed of roses. ये बहुत ही स्टेटमेंट का पीस है जिसको अगर आप अपने सोफे पे प्लेस करेंगे, एटलीस्ट इफ यू विल प्लेस 3 ऑफ देम, आपके सोफे की लुक एकदम एनहांस हो जाएगी. आई गॉट दिस ओनली फॉर ₹250. यस, दिस कॉस्टेड मी ओनली ₹250 एंड 250 में आई थिंक इट्स अ स्टील डील बिकॉज ये बहुत ही सुंदर सा है. आप इसको पिक कर सकते हैं जनपथ मार्केट के मेन गेट से. जस्ट लेफ्ट में एक स्टॉल लगता है जिसमें यू कैन सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ सुंदर सुंदर से कुशन कवर्स. आइटम 2. सो गाइज, अब क्वेश्चन की बात हो रही थी तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट वाले से कम नहीं है बिकॉज ये तो पूरा का पूरा रोज ही है अपने आप में एंड ये बहुत ही सुंदर है. ओ माय गॉड, ये हॉल पूरा का पूरा, आप लोग इस पूरे हॉल में मेरे मुंह से वर्ड सुनने वाले सुंदर ब्यूटीफुल प्रिटी, सुंदर ब्यूटीफुल प्रिटी, बिकॉज ये चीजें हैं ही इतनी सुंदर यार. ओ माय गॉड, आई एम जस्ट माइंड ब्लोन. एंड ना खाली मैंने इसे पर्पल कलर में पिक करा है बल्कि मैंने इसे व्हाइट कलर में भी पिक करा है एंड ये दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं. सो गाइज, ये मैंने दोनों के दोनों मिला के ₹450 में पिक करे हैं एंड ना खाली मुझे कुशन कवर मिला उसके अंदर बल्कि आई ऑल्सो गॉट द स्टफिंग जो कि इसके अंदर फिल है. सो गाइज, ये भी मैंने वहीं से पिक करे हैं जिसकी डिटेल्स मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाते टाइम बता दी है. आइटम 3. तो गाइज, हमारी थर्ड चीज है, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है यार ये चीज होम डेकोर में, एंड दैट इज आर ड्रीम कैचर्स. सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपना ये वाला ड्रीम कैचर. यस, मैंने ड्रीम कैचर्स भी दो खरीदे हैं एंड ये वाला जो ड्रीम कैचर है ये पूरा का पूरा एक इविल आई के फॉर्म में है, इफ यू ऑल कैन सी. सो यहाँ पर ऐसे लेयर्स दी हुई है थ्रेड की एंड नीचे यहाँ पर बहुत ही सुंदर से फेदर्स के साथ पर्ल्स लगे हुए हैं. तो गाइज, ये मेरे को पड़ा था कुछ ₹250 का. यस, इसका साइज भी काफी बड़ा है, एज यू कैन सी मेरा मुंह तो इतना सा है. गाइज, ये मैंने पिक करा है जस्ट मेन मार्केट, जैसे आप जनपद की मेन लेन में एंटर होते हैं फर्स्ट शॉप जो आपको राइट साइड में दिखेगी मैंने उसी शॉप से पिक करा है. एंड अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को फटाफट से अपना सेकंड ड्रीम कैचर. ये भी मैं अपने पहले जो जनपद हॉल मैंने अपना दिखाया था उसमें मैं दिखा चुकी हूँ, बट क्योंकि हम ड्रीम कैचर्स की बात कर रहे हैं तो मैंने इसको फिर से दिखा दिया एक और बार यार. सो ये है मल्टी कलर का एंड ये मैंने खरीदा था लगभग आई थिंक एक साल होने को आया है एंड दिस ड्रीम कैचर इज एज इट इज, यू मीन टू से दैट इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड इसमें भी वही सेम डिजाइन है, नीचे फेदर्स दिए हुए हैं, उनके अंदर पर्स लगे हुए हैं. ये थोड़ा मल्टी मल्टी है, ये मैंने अपने गार्डन के लिए पिक करा था. मैं थोड़ा गार्डन में भी, मुझे क्रिएटिविटी टाइप करना पसंद है तो ये मल्टी चीजें गार्डन के अंदर बहुत ही सुंदर लगती है. ये मैंने सस्ते में पिक करा था, ये आई पिक्ड आई थिंक फॉर ₹150 or ₹200. मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसका एग्जैक्ट प्राइस बता दिया होगा, मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है. आइटम 4. सो गाइज, अगली चीज जो कि मैंने पिक करी है इज अ टेबल मैट. ये कोई ऐसा वैसा टेबल मैट नहीं है, यानी कि थोड़ा बेसिक और थोड़ा मतलब एस्थेटिक टाइप में, बल्कि ये है थोड़ा ओवर द टॉप टेबल मैट. ये मुझे बहुत ही प्रिटी लगा था, आई मीन इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, दिस ग्रे देन दिस ब्लैक देन दिस लाइट ग्रे, ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था. ये पूरा का पूरा सीक्वेंस से बनाया हुआ है इन लोगों ने एंड इस पे कितना ज्यादा मेहनत लगा होगा अगर हम लोग इमेजिन कर सके तो, क्योंकि ये हैंडवर्क है प्रॉपरली. बट ये मुझे बहुत ही चीप प्राइजेस पे मिल गया, लाइक आई गॉट दिस ओनली फॉर ₹150 या आई थिंक 200. सो गाइस, मैंने लोकली एक आंटी से पिक करा है, वो इसको सेल कर रहे थे एंड इसी के साथ साथ वो बॉक्सेस भी सेल कर रहे थे, राजस्थानी बॉक्सेस जो कि आपको जस्ट जनपथ मार्केट में जब आप मेन एंट्री लेते हैं तो लेफ्ट साइड में जो पूरी लेन है उसी के अंदर वो आपको बैठे हुए दिख जाएंगी. आइटम 5. सो गाइस, अब बारी आती है हमारी आखिरी चीज की, आखिरी दो चीजों की या आखिरी चीज की, खैर मैंने एक ही चीज के दो पीसेस खरीदे हैं तो मैं उसको आखिरी चीज ही मान के चलती हूँ. सो मैंने पिक करी है ये बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही एस्थेटिक सी, या
वी कैन कॉल दिस एस्थेटिक। ये पूरी की पूरी कांच की है एंड इसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं या फिर आप इसके अंदर एक प्लांटर भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही सुंदर से अगर आप प्लांट लगाएंगे एंड अगर आप इसको अपने बैकग्राउंड में रखेंगे या फिर अगर आप अपनी किसी भी टेबल पर रखेंगे, इवन यू कैन पुट दिस इन द कॉर्नर ऑफ योर रूम्स, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। एंड आई गॉट दिस फॉर ₹200। इसके साथ ही आपको लिड भी मिलती है, सो यू कैन स्टोर समथिंग इनसाइड दिस, लाइक यू कैन पुट योर दाल, यू कैन पुट योर राइस। इसी का दूसरा पीस मैंने ये खरीदा है, इसमें बस इतना ही फर्क है कि इसका लिड जो है येलो है एंड इसका जो प्रिंट है वो डिफरेंट बना हुआ है। सो गाइस ये दोनों मैंने पिक करी है फॉर ₹200 ईच, इन टोटल ये ₹400 की थी दोनों के दोनों। सो ये एक बहुत ही सुंदर सा प्रोडक्ट है एंड ये ऑफकोर्स कांच के, तो आपको उसके अच्छे से केयर करनी पड़ेगी, बट ऑल एंड ऑल आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी। तो गाइस आज का होम डेकोर हॉल मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मेरे को बताने में इसके बारे में बहुत ही मजा आया, बिकॉज ये सब चीजें मैंने अपनी पसंद से एक एक करके चूज करी है एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। सो गाइस अगर मुझसे पूछा जाए कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, मुझे सबसे अच्छा लगा आई लव्ड देम बोथ द मोस्ट। हालांकि मुझे सब कुछ पसंद है क्योंकि एक एक चीज मैं अपनी पसंद करके लाई हूँ, बट इन पे तो मेरा दिल ही आया हुआ है बिकॉज ये इतने ज्यादा यूनिक है एंड मैंने आज तक टू बी ऑनेस्ट स्ट्रीट मार्केट्स में तो स्पेशली ऐसी कोई चीज़ें वॉन्डर करती नहीं देखी हैं। ऑफकोर्स अगर आपको वेबसाइट वगैरह में या फिर होम सेंटर वगैरह में दिख जाए तो अलग बात है, बट स्ट्रीट मार्केट्स में तो ऐसी चीजें कम ही दिखती हैं। वैसे फटाफट जनपथ मार्केट जाओ और इन सारी स्टील डील्स को ग्रैब करो क्योंकि सबके सब बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, प्लस में बहुत ज्यादा यूनिक है और बहुत ज्यादा सुंदर है। सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, तुम हमेशा भूल जाते हो यार, इस बार करके जाना क्योंकि अब मैं लाने वाली हूँ जनपथ का वेस्टर्न वेयर हॉल एंड अपना फेवरेट बोहो ज्वेलरी हॉल, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा डिमांड आती है कि दीदी अपनी बोहो ज्वेलरी दिखाओ, ये करो वो करो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, टाटा बाय बाय, सायोनारा।